बड़ी खबर का रुख करते हैं श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को होगा मतदान। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद स्थगित हुआ था चुनाव। चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर है क्योंकि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन गुरमीत सिंह कुन्नर जो कि विधायक थे श्रीकरणपुर की, उनका निधन हो गया। उसके बाद में प्रत्याशी कांग्रेस के वो और निधन के बाद भी चुनाव स्थगित किया गया। श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को मतदान अब होगा। चुनाव आयोग ने नई तारीखों का ऐलान किया है। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद चुनाव स्थगित हुआ था। चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान किया है और उनके निधन के बाद राजस्थान में 200 नहीं बल्कि 199 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव हुए। 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 69 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन अब गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद भी चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है कि चुनाव वहां पर कब होंगे। 5 जनवरी को श्रीकरणपुर में मतदान होगा। एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर है, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने थे लेकिन श्रीकरणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। बीमार वो चल रहे थे और उसके पहले जब जानकारी सामने आई उनके अस्वस्थ होने की, तभी से इस चीज को लेकर काफी असमंजस था क्योंकि क्रिटिकल उनकी स्थिति हो गई और उसके बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस सीट पर, श्रीकरणपुर की सीट पर चुनाव स्थगित हुआ था। लेकिन अब चुनाव की तारीख, चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को होगा मतदान। वहां के मतदाता 5 जनवरी को अपना वोट कास्ट करेंगे श्रीकरणपुर सीट पर। राजस्थान की श्रीकरणपुर सीट पर जब गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था तो चुनाव को स्थगित किया गया था और 5 जनवरी को मतदान होगा। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुए, 3 दिसंबर को नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को है। ऐसे में गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद में चुनाव स्थगित हुआ। श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को मतदान, 19 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तारीख, 5 जनवरी को मतदान होगा, 12 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा इसके लिए और 19 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। संवीक्षा 20 दिसंबर माफ कीजिएगा इसको, और इसको लेकर के 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 5 जनवरी को मतदान और 8 जनवरी को श्रीकरणपुर सीट की मतगणना होगी। पूरी जानकारी विस्तृत 10 जनवरी तक होगी चुनाव प्रक्रिया संपन्न। भारत निर्वाचन आयोग ने इस तिथि को जारी किया है।